फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारी जो पुरानी वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था रैखिक अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करना, जबकि पूरक फलन में विद्यमान एक समाकल ज्ञात हो। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द इंटीग्रल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नॉन, हम ये पढ़ चुके थे तथा इसके हम कुछ एग्जाम्पल जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी में आए थे वो हम सॉल्व कर चुके थे। अब हम कुछ इसके और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यार, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी या कोटा यूनिवर्सिटी, बिरज यूनिवर्सिटी में आए हैं। फिर से ये क्वेश्चन है अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, जो कि अजमेर में 2003 में पूछा है, बीकानेर में 2004 में 2013, राजस्थान में 2010, कोटा 2010, उदयपुर 2012 में पूछा गया है। और साथ ही हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन वाई बराबर कॉट एक्स इज इट्स ओन वन सोल्यूशन, ये हमारे पास दिया हुआ है कि हम इसका वाई बराबर कॉट एक्स है, इसका एक सोल्यूशन है अपने पास। अब फिर से हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमने जो पहले जो मेथड पढ़े थे उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट वाई इक्वल टू वी कॉट एक्स इज कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हमने इसे कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया वाई बराबर वी कॉट एक्स। तो फ्रेंड्स, गिवन इक्वेशन क्या है अपने पास, ये है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2y अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो हमें y y के हेल्प से हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास ज्ञात करना है हमें। तो y बराबर ये अपने पास v कोट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, पहले हम कोट एक्स को छोड़ेंगे तो कोट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, इस बार हमने v को छोड़ दिया और इसका डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो हमारे पास फ्रेंड्स ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया कोट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी कोसेक स्क्वायर एक्स। फ्रेंड्स ये आ गया, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा, इस बार हमने कोट एक्स को छोड़ दिया तो ये आ गया डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, इस बार हमने इसको छोड़ दिया डी वी अपॉन डी एक्स को, कोट एक्स का माइनस कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का साइन से कोसेक स्क्वायर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। फिर इस काम करेंगे तो इसका इसमें हम पहले वी को वी का डिफ्रेंशिएट करते हैं कोसेक स्क्वायर को, तो वो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो उसको यहाँ ऐड कर दिया प्लस सॉरी माइनस, इस बार हमने वी को छोड़ दिया और कोसेक स्क्वायर का किया, कोसेक स्क्वायर का किया जाएगा टू कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स, और माइनस के साइन के साथ होगा तो ये प्लस हो जाएगा। फ्रेंड्स ये इसका हमारे पास डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें ये वैल्यू, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करनी है, तो ये आ जाएगा अपने पास कोटेक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू कोसेक स्क्वायर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी टू वी कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स, ये वैल्यू हमने पुट कर दी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इक्वल टू टू वाई, वाई क्या था अपने पास टू, वाई था अपने पास वी कोट एक्स अपॉन, ये आ गया नीचे अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। फ्रेंड्स इसको क्या कर सकते हैं हम, कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोट एक्स को लिख सकते हैं हम कोस अपॉन साइन, अगर हम लिखना चाहें तो। फिर हम इसको हम टू इसको लिख सकते हैं, इसको वन अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास, इसको हम सिर्फ इसी टर्म को लिख रहे हैं हम, तो इस टर्म को अलग से लिखते हैं इस टर्म की जगह, तो ये आ जाएगा टू वी इसका कोसेक स्क्वायर एक्स एंड कोट एक्स।
फ्रेंड्स ये इक्वल इसके इक्वल है ये, तो अब क्या हो गया, 2b कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स टू, इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये कोट एक्स डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये फ्रेंड्स हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब जब फ्रेंड हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डी स्क्वायर कोट एक्स का इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोट एक्स का डिवाइड करते हैं तो कोट एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। फिर से कोटेक्स को क्या लिख सकते हैं, कोटेक्स को लिख सकते हैं, कोटेक्स को हम होता है ये होता है कोटेक्स बराबर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कोटेक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स की घात चली जाएगी, तो ये आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोस एक्स, एक इसकी घात चली गई तो ये आ गया साइन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये आ चुका है अपने पास। अब फ्रेंड्स ये आ चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, डी लेट डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी, तो ये आ जाएगा फिर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, ये आ गया डी पी अपॉन, ये आ गया डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 2 ये कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स एंड पी इक्वल टू जीरो। फिर से आ चुका है अपने पास। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपली डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कोस एक्स साइन एक्स पी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हमें पी को हम नीचे ले आए तो डी पी वन अपॉन मतलब 1 अपॉन पी डॉट डी पी इक्वल टू 2 कोस एक्स साइन एक्स और ये डी एक्स को उधर ले गए तो ये डी एक्स, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन तो जाएगा लॉग पी फिर लॉग पी इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन कोस एक्स साइन एक्स ऑफ डी एक्स, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन इसका हमें करना है तो सिंपली 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 और 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, ये आ चुका है अपने पास। हमने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2 कोस एक्स साइन एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन साइन 2 एक्स ऑफ डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 कोस एक्स 2 एक्स ऑफ डी एक्स, ये आ गया। अब इसका फ्रेंड्स इंटीग्रेशन हमारे पास सीधा क्लियरली हम जानते हैं वो है 4, तो ये आ गया कोस एक्स का क्या होता है फ्रेंड्स इंटीग्रेशन, वो कोस एक्स का होता है अपने पास लॉग 10x। फ्रेंड्स कोसेक 2 एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 4 लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। फ्रेंड्स यह आ गया इसका हमारे पास कोसेक 2 एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक सॉरी 2 एक्स कोट 2 एक्स, और 2 एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 1/2 हमें डिवाइड करना होगा, ये आ चुका है अपने पास फ्रेंड्स प्लस लॉग सी वन, ये आ गया अपने पास, ये आ चुका है अपने पास इंटीग्रेशन करने पे। इसका इंटीग्रेशन किया तो कोसेक 2 एक्स का आ गया लॉग कोसेक 2 एक्स माइनस कोट 2 एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब फ्रेंड्स हमने इसको इसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर लिया है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 लॉग कोसेक को क्या इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स सॉरी साइन 2 एक्स माइनस कोट एक्स टू कोट 2 एक्स को क्या लिख सकते हैं कोस 2 एक्स अपॉन साइन 2 एक्स प्लस लॉग सी वन, ये आ गया इक्वल टू 2 लॉग इसका हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस कोस 2 एक्स अपॉन साइन 2 एक्स, ये आ गया प्लस लॉग सी वन, ये आ चुका है फ्रेंड्स।
अब हम कॉस टू एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, कॉस टू एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, इस तरह वैल्यू पुट कर रहे हैं कि ये एक कट जाए, तो कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स ये होता है। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया अपने पास टू लॉग वन माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर टू एक्स अपॉन साइन साइन टू एक्स की वैल्यू होती है टू कोस एक्स साइन एक्स, ये आ गया वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। सॉरी यहाँ पर टू होता है टू, तो यहाँ पर टू हो गया, ये हो गया वन से बन गया, तो ये आ गया अपने पास टू लॉग टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू कोस एक्स साइन एक्स, और ये आ गया अपने पास, तो ये साइन एक्स एक साइन एक्स ये साइन एक्स चला जाएगा और टू से टू चला गया, तो बच गया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, जो वैल्यू होती है टू लॉग साइन एक्स अपन कोस एक्स टेन एक्स, और प्लस लॉग सी चल रहा है अपने साथ में, तो ये लॉग सी वन लॉग सी वन एंड फ्रेंड ये आ गया लॉग सी वन। अब फ्रेंड्स यहाँ से अपने पास ये हमारे पास लॉग पी बराबर चला था, ये आ गया लॉग, इससे आ गया हमारे पास लॉग पी इक्वल टू, ये आ गया था अपने पास इसका इंटीग्रेशन जो करना था, वो इंटीग्रेशन करके आ गया अपने पास इक्वल टू टू लॉग टेन एक्स प्लस लॉग सी वन। तो फिर इसको लिख सकते हैं हम लॉग पी इक्वल टू, इसको लॉग टू को ऊपर ले गए स्क्वायर में, तो ये हुआ लॉग टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग सी, या इसको लिख सकते हैं हम लॉग टेन स्क्वायर एक्स सी वन, सॉरी सी वन ये हो गया डॉट सी वन, ये हो गया लॉग पी बराबर, तो इसको लिख सकते हैं हम एंटी लॉग ले लिए दोनों तरफ, तो आ गया पी बराबर टेन स्क्वायर एक्स सी वन, ये आ चुका है अपने पास। अब पी की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स, हमने पी की वैल्यू थी वो थी अपने पास डी बी अपॉन डी एक्स, तो ये आ गया डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स सी वन। अब फ्रेंड्स हमें इसका एक बार इंटीग्रेशन और करना है, क्योंकि हमें वी की वैल्यू निकालनी है, तो ये डी वी इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स सी वन ऑफ डी वी, ये फ्रेंड्स ये हमें इंटीग्रेशन करना है, फ्रेंड्स ये इंटीग्रेशन करना है। इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन वी इक्वल टू आ गया समय इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सी वन को तो बाहर लिख लिया हमने, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ऑफ डी एक्स प्लस सी टू, कोई अनदर कॉन्स्टेंट जुड़ेगा, तो ये वी बराबर आ गया अपने पास सी वन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स माइनस, इंटीग्रेशन को अलग से पार्ट में कर दिया हमने, वन डी एक्स प्लस सी टू। अब फ्रेंड्स सी वन सेक स्क्वायर का क्या होता है अपने पास इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपली होता है अपने पास, वो टेन एक्स होता है सी वन टेन एक्स, इसका क्या होता है माइनस सी वन, इसका ये एक्स हो गया प्लस सी टू, तो वी बराबर आ गया फ्रेंड्स, यहाँ से हम सी वन कॉमन ले सकते हैं टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी टू। अब फ्रेंड्स ये आ चुका है हमारे पास, और जो वी हमारे पास वी की वैल्यू आ चुकी है, और हमने वाई की वैल्यू जो मानी थी वो क्या मानी थी, वाई बराबर वैल्यू मानी थी हमने वी डॉट कोट एक्स, तो वी डॉट कोट एक्स हमने मल्टीप्लाई इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो वाई बराबर आ जाता है सी वन टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी टू कोट एक्स। तो फ्रेंड्स ये आ गया अपने पास सी वन कोट एक्स अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से टेन एक्स डॉट कोट एक्स तो वन हो जाएगा, वन माइनस ये आ गया एक्स कोट एक्स प्लस सी टू कोट एक्स। फ्रेंड्स ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू, जो कि अपने पास उदयपुर यूनिवर्सिटी में 2002 2004 2012 में पूछा गया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2011 में पूछा गया है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2002 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको चाहिए कि कोई इसके सी एफ का एक हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस
टू वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इसका हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसका हमें पहले एक सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर हमने डिवाइड कर दिया, तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर हमने डिवाइड किया तो वन अपॉन एक्स प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स, सॉरी वन अपॉन एक्स एक अलग से बाहर आ गया, टू अपॉन एक्स हमने एक्स स्क्वायर डिवाइड किया, तो एक बार एक्स को तो हमने अंदर दे दिया और एक बार बाहर कर लिया, ये आ गया वाई इक्वल टू जीरो। अब फिर से हम देख सकते हैं पर पी बराबर है वो अपने पास माइनस टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, एंड क्यू बराबर है अपने पास, ये पी है ये क्यू है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये हमें क्यू बराबर है टू अपॉन एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब फिर यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो होता है, पी प्लस क्यू में अगर एक्स मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें तो ये जीरो होता है। तो इसका मतलब है वाई बराबर एक्स जो है वो अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन का एक हल है, इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हमने निकाल लिया कंप्लीट सॉल्यूशन का एक पार्ट है ये वाई बराबर एक्स है। अब हमने मान लिया कि हमने वाई बराबर वी एक्स इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, हमने मान लिया कि वाई बराबर जो वी एक्स है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हमें वी की वैल्यू निकालनी है इसकी हेल्प से, वो हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिएगा, तो वो आएगा अपने पास वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो आ जाएगा अपने पास एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ से आ जाएगा अपने पास फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स ये आ जाएगा अपने पास, अब ये आ चुका है अपने पास। तो हम ये वैल्यू जो ये वैल्यू आई है क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन जो थी उसमें पुट कर देते हैं, गिवन क्वेश्चन ये है अपने पास, इसमें ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देने पर अपने पास आ जाएगा, पहले हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, हम यहाँ पर भी इसको पुट कर सकते हैं या क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन को हम सिंपली यहाँ पर एक्स रख लें क्योंकि एक्स स्क्वायर हम डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन ये क्वेश्चन को इसको हम लिख सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दें तो आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स वन प्लस सॉरी वन अपॉन एक्स वन वाई इक्वल टू एक्स। फिर इसमें हमने इस क्वेश्चन में एक्स डिवाइड किया है, हमने इसका एक्स डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुकी है। अब हमें इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है वाई की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो ये वैल्यू पुट करने पर अपने पास आ जाएगा एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस टू वन अपॉन एक्स प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हमें ये वैल्यू पुट हो गई प्लस। अब हमें ये इसमें क्या करें, ये वाई की वैल्यू पुट करनी है, तो ये टू अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन, वाई की वैल्यू थी वो वी एक्स इक्वल टू एक्स, ये आ चुकी है अपने पास। अब फिर से हमने इसको खोल दिया है, तो इसको खोलने पर अपने पास आ जाएगा एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस, इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टू अपॉन एक्स वी, और इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा ये अपने पास माइनस टू डी वी अपॉन डी एक्स, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करें टू का भी मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू वी माइनस टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। एंड अब इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करने पर जाएगा टू एक्स स्क्वायर वी एक्स के अंदर एक्स से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा टू अपॉन एक्स वी प्लस टू वी इक्वल टू एक्स, ये आ चुका है फ्रेंड्स।
हम देखते हैं क्या क्या कट जाता है। अब हमें कुछ काटना है, इसमें जो जो भी कट जाएगा वो कर देंगे। ये कट गया अपने पास से टू बी कट गया, और फ्रेंड्स टू डी बी अपॉन डी एक्स से टू डी बी अपॉन डी एक्स कट गया। तो हमारे पास जो है वो आ गया एक्स डी डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सब कुछ कट चुका है, माइनस टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, ये आ गया अपने पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का डिवाइड कर दे तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। बस ये क्वेश्चन आ चुकी थी हमारे पास। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो लेट डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी, तो अपने पास आ जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास। तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाता है डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी इक्वल टू वन। फिर इसको हम ये कर सकते हैं डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस पी, पी को हम इधर ले गए, ये आ गया। अब हमें वन अपॉन वन प्लस पी को हम नीचे ले आते हैं, तो वन अपॉन वन प्लस पी डी पी इक्वल टू डी एक्स को इधर ले गए, तो ये आ गया डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन करने पर इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन लॉग वन प्लस पी इक्वल टू एक्स, ये आ गया वन प्लस पी इक्वल टू प्लस सी वन, सॉरी प्लस सी वन। अब हमने इसका एंटी लॉग ले लिया, तो वन प्लस पी इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी वन, या इसको लिख सकते हैं सी ई की पावर एक्स, क्योंकि ई ये इसको हम इसको लिख सकते थे हम, ये आ गया अपने पास ई एक्स डॉट ई की पावर सी वन आ जाता है ये वैल्यू अपने पास। तो इस वैल्यू को हमें इस वैल्यू को हमने सी वन से डिनोट कर दिया, जहाँ सी बराबर है ई सी वन, ये अपने पास। तो अपने पास पी बराबर फ्रेंड्स आ गया, पी बराबर क्या आ गया, सॉरी सी ई की पावर एक्स माइनस वन, ये आ गया अपने पास। अब हमें पी की वैल्यू पुट करनी है, पी की वैल्यू क्या थी, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी ई की पावर एक्स माइनस वन, तो ये आ गया अपने पास डी वी इक्वल टू सी ई की पावर एक्स माइनस वन ऑफ डी एक्स, ये आ गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वी बराबर, अब इसका इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये आ गया वी सी सी ई की पावर एक्स माइनस इसका एक्स प्लस सी टू, ये आ चुका है। अब हमारे पास फिर वी की वैल्यू आ चुकी है, और भाई हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो था एक्स डॉट वी, ये अपने पास सॉल्यूशन था। तो वाई बराबर एक्स डॉट वी हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स और वी की वैल्यू आ जाएगी सी वन ई की पावर एक्स माइनस एक्स प्लस सी टू, तो अपने पास सॉल्यूशन आ गया वाई बराबर सी वन एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी टू, ये आ चुका है फ्रेंड्स मेरे पास सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स इस तरह हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है, ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। फिर से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कोटेक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन माइनस कोटेक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, जो कि हमारे पास जोधपुर यूनिवर्सिटी 2002, अजमेर 2002, 2005, राजस्थान 2003, 2012, 2013, बीकानेर 2005, 2012 में पूछा गया है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास इसके सी एफ का एक हमें सॉल्यूशन मिल जाए। तो सी एफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को हमें जीरो के इक्वल पुट करना है। इसको हम इक्वेशन वैल्यू बन दे लेते हैं, माइनस कोट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन माइनस कोट एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इसका हमें एक सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके पी बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेरिजन किया, तो पी बराबर आ गया अपने पास माइनस कोट एक्स एंड क्यू बराबर आ गया अपने पास माइनस वन प्लस कोट एक्स, ये आ गया, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो फ्रेंड्स हम क्लियरली देख सकते हैं वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हो रहा है, इसका मतलब है वाई बराबर ई की पावर एक्स इज अ पार्ट ऑफ सी एफ, ये सी एफ का इसका एक पार्ट होगा। अब वाई बराबर ई की पावर एक्स इसका पार्ट आ गया, तो हमने वाई बराबर लेट वाई बराबर वी ई की पावर एक्स इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन वाई बराबर ई की पावर एक्स है, ये हमने इसका सॉल्यूशन मान लिया। तो इसके लिए हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। इससे इससे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ चुका है
वी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला तो यह आ गया वी ई की पावर एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यह आ चुका है फ्रेंड्स हमारे पास। जब ये वैल्यू आ चुकी है तो हम ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो गिवन क्वेश्चन थी इसमें पुट कर देते हैं। तो इसका इसको पुट करने पे आ जाता है ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस टू ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी ई की पावर एक्स माइनस माइनस कॉट एक्स, और ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो ये आ जाएगी ई की पावर सॉरी वी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। एंड अपने पास ये आ जाएगा माइनस वन माइनस कॉट एक्स माइनस वन माइनस कॉट एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो अपने पास वाई की वी ई की पावर एक्स वी ई की पावर एक्स इक्वल टू ये ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स। फ्रेंड्स ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी ई की पावर एक्स। अब हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस कोट एक्स वी ई की पावर एक्स माइनस कोट एक्स ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया फ्रेंड्स। और इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस वी ई की पावर एक्स माइनस वी सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वी कोट एक्स वी ई की पावर एक्स, ये आ गया फ्रेंड्स। हम देखते हैं इसमें क्या क्या कट जाता है। ये आ चुका है हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई करने पर, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या कट जाता है। इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स है सॉरी ये है अपने पास, तो हम देखते हैं क्या क्या कट जाता है। इसमें कटने के लिए हमारे पास ये है, कटने के लिए वी कोट ई की पावर एक्स इक्वल टू माइनस कोट वी ई की पावर एक्स, ये कट गया अपने पास। और ई की पावर एक्स यहाँ पर भी है फ्रेंड्स, ई की पावर एक्स यहाँ पर भी है और ई की पावर एक्स यहाँ पर भी है और इधर भी है, तो हमने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया और ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा। तो अपने पास जो बच के आएगा वो आएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये सब कुछ कट चुका है तो यह आएगा फ्रेंड्स अपने पास टू यहाँ से माइनस कोट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। फ्रेंड्स ये आ चुका है अपने पास, ई की पावर एक्स कट चुका था तो यहाँ से हमने ई की पावर एक्स को काट दिया, ये आ गया अपने पास। अब हम इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए लेट p बराबर डी वी अपॉन डी एक्स, तो यह आ जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास। जब यह आ चुका है तो हम कर सकते हैं इसको डी पी अपॉन डी एक्स माइनस सॉरी प्लस टू माइनस कोट एक्स p इक्वल टू साइन एक्स, ये आ गया अपने पास। अब फिर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर माइनस पी ऑफ डी एक्स, पी जो वैल्यू ये होती है अपने पास, ये आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपने पास इसके e की पावर माइनस का तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो ये आ जाएगा कोट एक्स माइनस टू ऑफ डी एक्स। फ्रेंड्स ये आ चुका है अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका। तो ई की पावर कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फ्रेंड्स वो इंटीग्रेशन होता है ई की इसका होता है लॉग साइन एक्स माइनस टू एक्स, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर लॉग साइन एक्स माइनस ई की पावर टू एक्स सॉरी डॉट ई की पावर टू एक्स, ये आ गया एक बार माइनस डॉट माइनस का टू एक्स, ये हमने अंदर अंदर ये कर लिया हमने ई की पावर एम प्लस एन इक्वल टू ई की पावर एम डॉट ई की पावर एन, ये फॉर्मूला लगाया हमने।
तो हमने ये आ गया अपने पास, तो ये ई की पावर लॉग साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली साइन एक्स और ई की पावर -2x, ये आ गया अपने पास। अब फिर जब आई एफ अपने पास आ चुका है तो उसका सॉल्यूशन जो होता है वो होता है अपने पास आई एफ मतलब पी डॉट आई एफ, आई एफ होगा साइन एक्स ई की पावर -2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में साइन एक्स एंड डॉट आई एफ, आई एफ अपने पास साइन एक्स ई की पावर -2x ऑफ डी एक्स, ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर -2x ऑफ डी एक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ से अपने पास पी बराबर आ चुका है 1 अपॉन साइन एक्स ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर -2x ऑफ डी एक्स, ये आ चुका है अपने पास। जब यह आ चुका है तो हमें पी की वैल्यू हमने रख देनी है, तो पी की वैल्यू आ जाती है डी वी अपॉन डी एक्स थी इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स ई की पावर 2x, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर -2x ऑफ डी एक्स। फिर इसका हम इंटीग्रेशन फर्स्ट डॉट सेकंड रूल से हम कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो एग्जाम टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लंबा हो जाएगा, तो हम उसके इंटीग्रेशन में इसका आंसर छोड़ना पसंद करते हैं। तो बी बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स ई की पावर 2x इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर -2x ऑफ डी एक्स टोटल इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स ये आ चुका है अपने पास बी बराबर, तो हमारे पास वह सॉल्यूशन था वो था वाई बराबर यू डॉट वी, तो ये आ गया वाई बराबर सॉरी वाई बराबर वाई बराबर था ई की पावर एक्स डॉट वी, तो ई की पावर एक्स और अपने पास ये सॉल्यूशन लिख देते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स ई की पावर 2x साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर -2x डी एक्स ऑफ डी एक्स ये प्लस सी वन। फ्रेंड्स ये जो इसका अपने पास आया है ये इसका इंटीग्रेशन आया है अपने पास इसका वाई बराबर ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर -x डी एक्स होल इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन है उसके बाद इसका ये होल इंटीग्रेशन इसका और इसका और प्लस सी वन, ये इसका अपने पास सॉल्यूशन आ चुका है फ्रेंड्स।